Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you'll be good. Today, we are going to start lecture number 7. It is our fresh lecture and a new lecture. Subject name is Curriculum Adaptation and its course code is 31113. So, hum is subject ko dekhte hain Curriculum Adaptation ke hawale se. Aur as usual, jis tarah humne baaki lectures ko discuss kiya, is lecture mein bhi हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पहले देखेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक ओवरव्यू होता है, एक आइडिया होता है, आपको पता चल जाता है कि आज हमने क्या क्या डिस्कस करना है, हम इसके मुताबिक देखते हैं जी. सो आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू नंबर 1 नो द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान, नंबर 2 Curriculum Development for School Education, Department Punjab. Number 3, Curriculum Development Process in Special Education Punjab. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पाकिस्तान में Curriculum Development का जो process है वो क्या है. दूसरे नंबर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के जो करिकुलम के हवाले से जो एक अंडरस्टैंडिंग है या जो उनका जो एक्शन है वो देखा जाएगा. तीसरे नंबर पर स्पेशल एजुकेशन में करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से जो काम हो रहा है उसको ज़रा देखते हैं, क्योंकि कल को आपने स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना है ना. सो स्टूडेंट लेक्चर को स्टार्ट करते हुए हम 1.4 की बात करते हैं. ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है. यह करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान. सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन नेशंस बिल्डिंग. एक कौम की तामीर और तरक्की में एजुकेशन का बड़ा अहम किरदार होता है. फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल कोहिजन. फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो नेशनल लेवल पे तमाम सूबों को, तमाम प्रोविंसेस की एजुकेशन सिस्टम को, तमाम सूबों की जो यूनिटी है उसको बना के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसी तरह उनकी इंटीग्रेशन भी इसमें ज़रूरी है एंड और प्रेजर्वेशन है उस आइडियालॉजिकल फाउंडेशन की जो कि उस मुल्क या उस रियासत के लिए पहले से तयशुदा डिसाइडेड है, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? करिकुलम बनाना, सिलेबस बनाना, प्लानिंग बनाना, पॉलिसी बनाना, एजुकेशन स्टैंडर्ड डिसाइड करना, तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो कि इसमें बड़े यूजफुल हैं, जो हेल्पफुल हैं. अच्छा, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं अमेरिका का बताने लगा हूँ आपको. नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स NBTC, इसी को करिकुलम विंग भी कहा जाता है. ये बेसिकली क्या करता है, इसके काम हम देख देते हैं. करिकुलम विंग के ये सुपरवाइज करता है करिकुलम और टेक्स्ट बुक को. नंबर 2, दूसरा जो इसका काम करिकुलम विंग का, अप्रूव्स एंड मेंटेन करिकुलम स्टैंडर्ड फ्रॉम द प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल. यानी कि प्राइमरी या हायर सेकेंडरी लेवल स्टैंडर्ड तक का जो करिकुलम जो है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन भी करना है और अप्रूव भी करते रहना. मतलब इसमें रिसर्च है, बार बार उस पर रिसर्च की जाती है. नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है, प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर.
एवरी प्रोविंस हैज़ अ प्रोविंशियल करिकुलम, हर प्रोविंस के पास एक प्रोविंशियल करिकुलम होता है जो कि जिस इस चीज़ को इंश्योर करता है, यकीन करता है कि जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कोलैबोरेशन इन्वॉल्व होती है। इसमें वो तमाम एक्टिविटीज शामिल होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन, वो जो करिकुलम विंग है उसके अंदर जो चीज़ें जो सेट की गई थी, ऑब्जेक्ट जो सेट किए गए थे, वो सारे इसमें देखे जाते हैं। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक, हर सूबे की, हर प्रोविंस की अपनी ही एक प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बनी होती है, और बल्कि इसको हम यूँ कहते हैं प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसको कहा जाता है PTTB। PTTB आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, PTTB की भी कोई जिम्मेदारी है। नंबर वन पे क्या PTTB करता है, नंबर वन पे प्रिपेयरिंग करता है, नंबर टू पे पब्लिकेशन करता है, पब्लिशिंग करता है, नंबर थ्री पे स्टॉकिंग करता है, नंबर फोर पे डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और फिर उसकी मार्केटिंग भी करता है स्कूल में, मार्केट में, यूनिवर्सिटी में। तो ये करिकुलम विंग का ये काम है, करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। मैं वैसे करिकुलम डिज़ाइन आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ, इसके मतलब जो ज़ैल पॉइंट्स हैं, नंबर वन करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एवोल्यूशन ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला इसका जो काम है वो भी हम देख लेते हैं दोबारा, करिकुलम डिज़ाइन बनाना और करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं उनकी डेवलपमेंट पे काम करना। नंबर टू डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडी, स्कीम ऑफ स्टडी बनाना, डेवलप करना। नंबर थ्री डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिज़ाइन करना। नंबर फोर डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टेक्स्ट बुक या जो भी पढ़ाने का जो मटेरियल है, दर्सी किताबें, गाइड, जो भी है, हर चीज़ बनाना। नंबर फाइव अप्रूवल ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, जाहिर सी बात है हायर अथॉरिटीज या गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना भी इसी इसका करिकुलम विंग का ही काम है। नंबर सिक्स पे टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवानी है, जाहिर सी बात है मटेरियल बन गया उसको पढ़ाना कैसे, टीचर्स की ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। हम इनकी ज़रा डिटेल डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए ही रिकमेंडेशन बनाई जाती हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी नेशनल पॉलिसी को देखते हुए ही आपके बनाने पड़ते हैं। इसमें सेमिनार फोरम कंडक्ट किए जाते हैं नेशनल लेवल पे, जिसमें रिसर्च स्टडीज़ वगैरह भी शामिल होती हैं। अच्छा, इसी तरह वो जो चेयरमैन था NBCT के जो चेयरमैन थे, NBCT के एब्रिवेशन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, वो एक मीटिंग भी हेल्ड करते हैं इस हवाले से, या इन ऑब्जेक्टिव्स का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जाता है जो कि उन तमाम प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्कुलेट किया जाता है जो कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है ना वो फाइनलाइज भी किया जाता है, फिर उनको ट्रांसलेट भी किया जाता है। इसमें जो स्पेसिफिक टीचिंग फैक्टर्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज करने में कंसीडर किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रिसाइज होने चाहिए और हमें ज़रूर वो ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करें कि हमने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजी होगी उतना अच्छा डेजिग्नेटेड बिहेवियर पैदा होगा।
दूसरे नंबर पे है द स्टडी स्कीम। स्टडी स्कीम में तीन की फैक्टर्स होते हैं। पहला है इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहली जो चीज़ है स्कीम ऑफ स्टडी बनाते हुए इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। नंबर टू पे मार्केट डिमांड क्या है, ये ना हो आप ऐसी चीज़ें डालें जिसका आजकल ट्रेंड ही ना हो। नंबर सी पे ग्लोबल इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़ को देखना पड़ता है ताकि बच्चे को एक अच्छा नॉलेज मिले। इस एरिया में जो काम है, टास्क वर्क है, वो बेसिकली जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं ना उनकी एक कंसेंट ली जाती है। और जो पार्टिसिपेंट कौन से हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपर्ट्स हैं, फीडबैक ऑफ IDCC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कोऑर्डिनेशन IDCC। तीसरे नंबर पर डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस। सिलेबस हमेशा ऑब्जेक्टिव पे ही बेस करते हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कीम ऑफ स्टडी। सब्जेक्ट स्टैंडर्ड जो सिलेबस है वो बेसिकली इनकी कंसल्टेशन से तैयार किया जाता है। कौन से किसकी कंसल्टेशन ली जाती है? नंबर वन पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, नंबर टू पे साइकोलॉजिस्ट, नंबर थ्री पे सर्विंग टीचर। इन तीन लोगों का होना ज़रूरी है। सिलेबाई मस्ट सेटिस्फाई, सिलेबाई को ज़रूर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। और ये सेटिस्फाई होने के लिए भी उसके मंदरजैल कंडीशन का होना लाजमी है। नंबर वन बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ लर्नर, ये बच्चे की नीड्स की देखते हुए ये बनाया जाता है। नंबर टू टेकिंग इनटू अकाउंट द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, मौजूदा जो नॉलेज है या बच्चे का जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, कितना है। नंबर थ्री डेवलपिंग लेवल ऑफ द लर्नर इज considered in the cognitive effectiveness psychomotor domain। बच्चे की जो development है वो basically cognitive effectiveness psychomotor domain में देखी जाती है। अब ये cognitive effectiveness psychomotor domain ये तीन point हैं, ये आप याद रखिएगा। और ये तीनों Bloom taxonomy में आते हैं। Bloom taxonomy को taxonomy of educational domains भी कहा जाता है। और ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीन लेवल हैं, एक है कॉग्निटिव, दूसरा है इफेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर। तो इनकी डिटेल है अगर हमारे लेक्चर में आई तो हम पढ़ लेंगे, अदरवाइज यकीन आप किसी और सब्जेक्ट में हो सकता है पढ़ें। तो ये जो कंटेंट है ये हमेशा इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सेट किया जाता है। नंबर फोर पे टेक्स्ट बुक डिवेलपमेंट। PTTB पंजाब में भी हमारे यही चल रहा है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये इदारा रिस्पॉन्सिबल है टेक्स्ट बुक को डेवलप करने का, और ये खुद से नहीं करता, इसके सामने कोई ना कोई सिलेबस होता है जो कि अप्रूव किया जाता है हायर अथॉरिटी से। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टेक्स्ट बुक इज डेवलप्ड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्स्ट बुक कैसे बनती है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक राइटर्स के नाम इस्टेब्लिश किए जाएं, फिर उन राइटर्स को इन्विटेशन सेंड की जाती है ताकि वो जो सिलेबस पैरामीटर उनको दिए गए हैं उस सिलेबस पैरामीटर्स के मुताबिक अपना मटेरियल प्रोवाइड करें। तो सिलेक्शन जो है उसकी रेलिवेंस को देखा जाता है हमेशा उसके मटेरियल की बुनियाद पे। चौथे नंबर पे वो जो सिलेक्टेड मटेरियल होता है उसी को फिर टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नंबर फाइव है रिव्यूइंग द अप्रूवल, इसके भी कुछ मंदरजा ज़ैल पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। पहला है पर्सन इन नेशनल रिव्यू कमेटी। नेशनल रिव्यू कमेटी, ये जो नेशनल रिव्यू कमेटी है ना इसके 5 या 6 मेंबर्स होते हैं।
अब वो कौन कौन से हैं? एक एक्सपेरेंट होता एक एक एक्सपर्ट होता है जो कि सिलेबस फॉर्मेशन से बन आता है एक्सपर्ट। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है। तीसरे नंबर पे स्कूल टीचर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट बुक रिव्यू पैरामीटर। टेक्स्ट बुक को किस मेयार के मुताबिक रिव्यू किया जाता है? बुक्स जो है वो हमेशा करिकुलम को रिफ्लेक्ट करती हैं। क्योंकि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है इसमें जिनको करिकुलम में पहले सेट किया गया था। बुक कभी भी ऐसा मटेरियल कंटेन नहीं करती जो कि पाकिस्तानी या इस्लामिक आइडियालॉजी के खिलाफ हो। बुक में हमेशा वही मटेरियल होगा जो पाकिस्तानी या इस्लामिक आइडियालॉजी के साथ होता है। अगर उस चीज़ का अप्रूवल किया जा चुका हो या अप्रूवल लेने की कोशिश की जा रही हो तो फिर उस टेक्स्ट बुक को पब्लिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिया जाता है। अगर उस पर ऑब्जेक्शन लग जाए तो कंप्लेंट और शिकायत की तादाद भी रिवीजन से ही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको डील किया जाता है। नंबर सिक्स पे टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जो टीचर ट्रेनिंग है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस चीज़ पे अब ज़रूर दिया जाता है कि हर टेक्स्ट बुक के साथ एक टीचर गाइड मौजूद हो। और अगर आप ये ब्रिटिश इंग्लिश मीडियम ऑक्सफोर्ड वाले जितने भी स्कूल हैं इसमें हर बुक के साथ एक टीचर गाइड मौजूद है। और यकीनन आजकल जितनी भी बुक्स आ रहे हैं चाहे हमारे सरकारी पब्लिक हैं या प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं सबके साथ गाइड बुक मौजूद होती है। इन सम केसेस कुछ केसेस में मास्टर ट्रेनर की भी खिदमात ली जाती हैं। मैं खुद भी मास्टर ट्रेनर रह चुका हूँ टीचर्स का जनरल एजुकेशन में, और स्पेशल एजुकेशन में तो इस वक्त एज अ मास्टर ट्रेनर मैं हूँ। और ये ट्रेनिंग्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है टीचर्स को। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट के पिटफॉल, ये हम देखते हैं। इसमें क्वालिटी करिकुलम डेवलप करने के रास्ते में जो मुख्तलिफ रुकावटें आती हैं हम उनको ज़रा देख लेते हैं जो कि पाकिस्तान में है ना। इसमें सबसे जो पहला है वो है लैक ऑफ सब्जेक्ट एरिया एक्सपर्ट। जो मुतलका सब्जेक्ट का जो एरिया है उसका जो एक्सपर्ट है हमारे पास वो ही नहीं, उसकी डेफिशिएंसी कम लोग हैं। दूसरे नंबर पे करिकुलम डेवलपमेंट एट हायर एजुकेशन लेवल। 1973 के आईन में लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट ने उस वक्त एजुकेशन को इसमें डाला। फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी शुरू शुरू में जे कह जी हम करिकुलम का जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसको ज़रा देखेंगे, पॉलिसीज़ को देखेंगे, प्लानिंग को देखेंगे और एजुकेशन स्टैंडर्ड को भी देखेंगे। हायर एजुकेशन का जो पुराना नाम था वो दिसंबर 1976 में इसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फेडरल गवर्नमेंट ने जो बनाया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दिसंबर 1976 में पीपल पार्टी के दौर में, आजकल इसको HEC कहा जाता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके साथ आप लोग भी अफिलेटेड हैं। इसका HEC का काम था करिकुलम रिवीजन के सारे मैटर्स को देखना, जो खासकर बैचलर लेवल पे देखने का था या इससे आगे तक। इसमें डिग्रीज भी देखी जाती हैं, सर्टिफिकेट्स भी देखे जाते हैं या डिप्लोमास भी देखे जाते हैं जो कि डिग्री कॉलेज के डिप्लोमा वैसे डिग्री कॉलेज प्रोवाइड करते हैं ना ये सारे, या यूनिवर्सिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, या HEC के जो बाकी जो इदारे हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं।
बहरहाल एक मीटिंग हुई थी और इसमें कहा गया था कि यूजीसी यानी कि एचईसी को रिकमेंड किया गया था कि वो ही रिव्यू करे करिकुलम, मखसूस प्रोग्राम के करिकुलम को रिव्यू करे खुद से हर 3 साल के बाद। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया ताकि करिकुलम को रिवाइज और रिव्यू किया जा सके। अब देखते हैं हम लोग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन करिकुलम रिव्यू रिवीजन प्रोसेस, कौन से स्टेप्स हैं जो कि करिकुलम को रिव्यू और रिवीजन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले फेज़ 1 है करिकुलम अंडर कंसिड्रेशन, फेज़ नंबर 2 है सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट, फेज़ नंबर 3 है और इस तरीके से हर डिपार्टमेंट फिर अपने अपने रिप्रेजेंटेटर भेजता है और फिर नेशनल रिव्यू कमेटी, नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी NCRC, इसमें एक मीटिंग होती है और उसी में फिर वो स्टेप नंबर 1 फॉलो किया जाता है। स्टेप 2 है असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम, NCRC के जो मेंबर्स होते हैं ना उनके दरमियान मौजूदा जो करिकुलम उसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और वो फिर उसको अपने कोलीग्स या उनके साथ डिस्कस करके एक कंबाइन एक प्रपोजल सामने आता है ताकि एग्जिस्टिंग करिकुलम को रिव्यू भी किया जा सके रिवीजन भी किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रीडिंग मटेरियल, टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब जो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन के जो मेथड है, इसमें मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेट कराया जाता है। फिर उसके बाद स्टेप 3 है NCRC मीटिंग की, जो मीटिंग नंबर 1 है इसमें ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है और ये इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर जो इनका HEC का जो हेडक्वार्टर वहीं पे किया जाता है। उसके बाद है फेज 2 सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट करिकुलम, फिर है स्टेप 4 अप्रेजल ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट। पहला जो ड्राफ्ट है वो हमेशा यूनिवर्सिटी या टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में सर्कुलेट किया जाता है ताकि उस पर बहुत अच्छी कोई रिकमेंडेशन लाई जा सके या उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। ये जो ड्राफ्ट होता है ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस चलता जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपका करिकुलम मुकम्मल तैयार हो जाता है। फिर है स्टेप 5 NCRC मीटिंग, इसमें बेसिकली वो जो ड्राफ्ट बनता है ना करिकुलम का उसकी फाइनलाइजेशन शामिल है। स्टेप नंबर 6 है अप्रूवल ऑफ द रिवाइज्ड करिकुलम बाय द वाइस चांसलर कमेटी, VC की जो फाइनल कमेटी है उसका ड्राफ्ट भेजा जाता है करिकुलम का जिसको उसने आगे फॉरवर्ड करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन, इसको तो हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। वो जो करिकुलम डिज़ाइन है क्या वो ठीक बना या गलत बना, इसके लिए तो जाहिर सी बात है आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत होगी। इवैल्यूएशन हमेशा लास्ट स्टेप होता है, उसको देखा जाता है कि करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है या इफेक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर स्कूल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा वो अंडरस्टैंड करेंगे और वो ये है कि जनरल एजुकेशन में
बकायदा करिकुलम विंग है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो कि करिकुलम डिज़ाइन करता है पूरे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बेसिकली मॉडिफाइड करिकुलम यूज़ करता है, अडैप्टिव करिकुलम करता है। वो जो जनरल एजुकेशन में यूज़ होता है उसको रेगुलर करिकुलम कहते हैं ना, उसी करिकुलम को इस तरह मॉडिफाई किया जाता है कि जिसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, बच्चों की जो स्पेशल नीड्स है उनका ख्याल करते हुए ये करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। और ये फिर स्पेशल एजुकेशन के अंदर एक मखसूस टीम है जो कि यूज़ करते हैं, इसको बनाते हैं और उसमें बच्चे की डिसेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाता है, ताकि बच्चे की लर्निंग हो हर सूरत में, हम उनको डिसेबिलिटी से हटा के इंडिपेंडेंस की जानिब लेके आएँ। इसमें उनकी मोबिलिटी वगैरह भी शामिल है या मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के जो बच्चे हैं, तो हमने इस तरीके से करिकुलम डिज़ाइन करना है कि उन बच्चों की लर्निंग अच्छी हो, उनके पास नॉलेज ज़्यादा हो। इस तरह हम अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, दिस वाज आवर लेक्चर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन मे आस्क प्लीज इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।